अमित शाह के बीएसपी पर दिए बयान से मायावती खुश हो गई और उन्होंने उनकी तारीफ की। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान अमित शाह ने कहा था कि यूपी के चुनाव में बीएसपी को अच्छे वोट मिलेंगे और उसे दूसरी पार्टियों से कम आंकना गलत होगा। अमित शाह की इस बात से मायावती खुश दिखी। लखनऊ में वोट डालकर निकली मायावती ने मीडिया से इस बारे में बात की। अमित शाह का बयान उन्हें इतना अच्छा लगा कि उन्होंने खुलकर उनकी तारीफ कर डाली। ये उनकी महानता है कि उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया है। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने माना था कि यूपी चुनाव में बीएसपी की ताकत दिखाई देगी और उसे मुस्लिम समुदाय का भी वोट मिलेगा। बीएसपी की रिलेवेंसी खत्म हुई है, वो बात ठीक है, वोट आएंगे, मैं मानता हूँ। मुसलमान भी काफी बड़ी मात्रा में जुड़े, मुसलमान बीएसपी को भी काफी बड़ी मात्रा में वोट देंगे, काफी सी। हालांकि बीजेपी और बीएसपी के गठबंधन की चर्चा को उन्होंने गलत बताया था और दावा किया था कि यूपी में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी। लेकिन यूपी में चौथे चरण के मतदान से पहले अमित शाह के बीएसपी पर आए बयान से मायावती गदगद हो गई और उन्होंने ये दावा कर दिया कि इस बार मुस्लिम समुदाय समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देने वाला। मुस्लिम समाज के लोग हैं तो वो इनकी समाजवादी पार्टी की कार्यशैली से बहुत ज्यादा दुखी रहे हैं, तो मुस्लिम समाज तो उनसे वैसे ही नाराज है, तो उनको वोट कैसे दे देगा। लेकिन जेडीयू ने मायावती के इस बयान को उनका हार का डर बता दिया। मायावती जी अपने खोते हुए जन आधार को लेकर के चिंतित हैं, लिहाजा उन्होंने मुस्लिम्स को लेकर के इस तरह का वक्तव्य दिया है। जेडीयू बिहार में भले ही बीजेपी के साथ सरकार चला रही है लेकिन यूपी की 51 सीटों पर वो उसके खिलाफ मैदान में है। यूपी में बीएसपी के प्रदर्शन पर भी दोनों पार्टियों की राय अलग अलग दिखी। सौबात की बात यह कि मायावती ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को कम टिकट दी इसलिए वो उससे नाराज। यही नहीं, अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए वो ये दावा करना नहीं भूली कि उन्हें हर समुदाय का वोट मिल रहा है।